Good day to all. Today we are going to start our next topic, Mesopotamia and its geography. In last video, we have read about Mesopotamia is an urban city and its their names. Now let's start with Mesopotamia and its geography. Mesopotamia is a land of diverse environments. Mesopotamia is a land of diverse environment. ठीक है, अलग अलग टाइप का इन्वायरमेंट पाया जाता था वहाँ पे. इन द नॉर्थ ईस्ट लाई ग्रीन इंडलेटिंग प्लेन्स ग्रेजुअली राइजिंग टू ट्री कवर्ड माउंटेन रेंजेस विद क्लियर स्ट्रीम्स एंड वाइल्ड फ्लावर्स विद इनफ रेनफॉल टू ग्रो क्रॉप्स. ठीक है, अलग अलग टाइप के ग्रीनरी प्लेन्स पाए जाते थे. ठीक है, जितनी वहाँ पे जो रेनफॉल होती थी वो उतनी ही इनफ थी वहाँ पे ग्रीनरी को मेंटेन रखने के लिए और क्रॉप्स को ग्रो करने के लिए. इन द नॉर्थ देयर इज अ स्ट्रेच ऑफ अ प्लान कॉल्ड अ स्टेपी. ठीक है, वहाँ पे स्टेपी भी पाई जाती थी जहाँ पे क्या था जो हर्बर्स एनिमल थे वो क्या करते थे उसको हार्डिंग के लिए ले जाते थे. जैसे पीपल अ बेटर लिवलीहुड देन एग्रीकल्चर आफ्टर द विंटर रेन्स शीप एंड गोट्स फीड ऑन द ग्रासेस एंड लो शब्स दैट ग्रो वेयर. जब विंटर में रेन्स होती थी ठीक है जो शीप एंड गोट्स होती थी उनको ऑटोमेटिक फीड मिल जाती थी क्योंकि उतना ग्रास हो जाता था जितना उनके लिए इनफ होता था. और ईस्ट में क्या था, इन द ईस्ट टेरिब्यूटरीज ऑफ द टिग्रिस प्रोवाइड रूट्स ऑफ कम्युनिकेशन इनटू द माउंटेन्स ऑफ ईरान. ठीक है, जो ईरान के माउंटेन्स थे, ठीक है, कल मैंने आपको वीडियो में बताया था कि टू रिवर्स थी यूफ्रेट्स एंड टिग्रिस. ठीक है, जो टिग्रिस रिवर थी वो प्रोवाइड करवाती थी कि जो माउंटेन जो ईरान का पार्ट है ईस्ट में वहां तक वो कैसे कम्युनिकेट कर सकते हैं. द साउथ इज अ डेजर्ट. साउथ वाली साइड क्या था, डेजर्ट था. एंड दिस इज वेयर द फर्स्ट सिटी एंड राइटिंग एमर्ज्ड. ठीक है, वो पहली सिटी थी डेजर्ट साउथ में. ठीक है, जहां पे पहली बार राइटिंग को एमर्ज किया गया. दिस डेजर्ट कुड सपोर्ट सिटीज बिकॉज द रिवर्स इफ्रेट्स एंड टिग्रिस विच राइज इन द नॉर्दर्न माउंटेन्स कैरी लोड्स ऑफ सिल्ट. ठीक है, जो रिवर्स थी वहां की वो बहुत ज्यादा अपने साथ सिल्ट लेके आती थी. इस वजह से वो क्या था, डेजर्ट वाला एरिया था क्योंकि वहां की जो सॉयल थी वो ज्यादा एलुवियल नहीं थी, सिल्ट टाइप की थी. व्हेन दे फ्लड और व्हेन देयर वाटर इज लेट आउट ऑन टू द फील्ड फर्टाइल सिल्ट इज डिपॉजिट. ठीक है, जब बहुत ज्यादा फ्लड आता था उसके बाद क्या था, जो मिट्टी डिपॉजिट होती थी वो वहां पे डिपॉजिट हो जाती थी और थोड़ी बहुत जो क्रॉप्स थी वो ग्रो कर सकते थे. नॉट ओनली एग्रीकल्चर मेसोपोटामियन शीप एंड गॉड्स दैट ग्रेज्ड ऑन द स्टेपीज. ठीक है, वहां पे जो स्टेपीज थी, स्टेपी मीन्स अ स्मॉल एरिया विच ग्रो अ लिटिल ग्रास. ठीक है, जहाँ पे क्या था, ग्रासेस होते हैं वहां पे जो शीप और गॉड्स बहुत अच्छे से ग्रेज कर सकती थी. द नॉर्थन ईस्टर्न प्लेन्स एंड द माउंटेन्स स्लो प्रोड्यूस मीट मिल्क एंड वूल इन अबंडेंस. ठीक है, इस वजह से जो स्टेपीज थी वहां पे शीप और गोट्स को वो ग्रेज करवाते थे वहां से क्या था, उनको उनका जो अमाउंट थी, ठीक है, वो अपने लिए उनको अच्छे तरीके से मिल जाती, जैसे शीप और गोट्स से उनको वूल मिल जाती थी, मिल्क मिल जाता था, मीट मिल जाता था, जिससे वो अपना लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड कुछ हाई रख सकते थे. फर्दर फिश वॉज अवेलेबल इन रिवर्स. ठीक है, रिवर्स में फिश तो थी और डेट पाम जो फ्रूट था वो समर में बहुत अच्छे तरीके से ग्रो हो जाता था. नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ अर्बनिज्म इन मेसोपोटामिया. द सिग्निफिकेंस अर्बन सेंटर इन्वॉल्व इन वेरियस इकोनॉमिक एक्टिविटीज सच एज फूड प्रोडक्शन ट्रेड मैन्युफैक्चर सैंड सर्विसेज. ठीक है, जो अर्बन सेंटर थे क्योंकि मेसोपोटामिया को अर्बन सिटी का नेम दिया जाता है, इस वजह से जो वहां पे अर्बन सेंटर्स थे, ठीक है, वो अलग अलग इकोनॉमिक एक्टिविटी जैसे कि फूड प्रोडक्शन होगी, मतलब कि लोग अलग अलग जो एक्टिविटी में लगे हुए थे, जैसे ट्रेड हो गए या कोई चीज बनाना हो गया. ठीक है, सिटी पीपल डज सीज टू बी सेल्फ सफिशियंट एंड डिपेंड ऑन द प्रोडक्ट और सर्विसेज ऑफ अदर पीपल. ठीक है, जो लोग थे सेल्फ सफिशियंट थे, मतलब कि जितना उनको चाहिए होता था वो खुद उस चीज को क्या कर लेते थे, प्रोड्यूस कर लेते थे.
देयर इज कॉन्टिन्यूस इंट्रेक्शन अमंग देम, ठीक है, वो एक दूसरे के साथ इंट्रेक्शन भी रखते थे ताकि जिस चीज की उनको जरूरत होती है, जो चीज उनके पास नहीं थी वो दूसरे से ले लेते थे और दूसरे के पास वो नहीं होते थे वो उनसे ले लेते थे. फॉर इंस्टेंस द कार्वर ऑफ अ स्टोन सील रिक्वायर्स ब्रॉन्ज टूल दैट ही हिमसेल्फ कांट मेक एंड कलर स्टोन फॉर द सील दैट ही डजंट नो वेयर टू गेट. ठीक है, उनको उस टाइम पे जो वो ब्रॉन्ज टूल बनाते थे, ठीक है, वो क्या करते थे, जो स्टोन्स थे उनको ही कलर करके बना लेते थे, उनको मेटल के बारे में इतनी ज्यादा नॉलेज नहीं थी. ही डिपेंड्स ऑन अदर फॉर हिज नीड्स, ठीक है, इस वाली चीज के लिए वो दूसरे के ऊपर डिपेंड करते थे. द डिविजन ऑफ लेबर इज अ मार्क ऑफ अर्बन लाइफ, ठीक है, जो अर्बन की जो लेबर की डिवीजन थी वो जैसी एक अर्बन लाइफ में होती है वैसी वो डिवीजन की गई थी, वो अलग अलग एक्टिविटी में अपना लगे हुए थे. देयर मस्ट बी अ सोशल ऑर्गेनाइजेशन इन सिटीज, ठीक है, फर्स्ट पॉइंट इज various economic activities, ठीक है, वो अलग अलग एक्टिविटीज में लगे हुए थे. सेकेंड क्या था कि वो टूल्स के बारे में वो अननोन थे, इस वजह से वो इस चीज के लिए दूसरों के ऊपर डिपेंड रहते थे. नाउ द थर्ड इज सोशल ऑर्गेनाइजेशन. फ्यूल मेटल वेरियस स्टोन वुड एटसेट्रा, ठीक है, इन चीजों की उनको भी जरूरत होती थी. कम फ्रॉम मैनी डिफरेंट प्लेसेस फ्रॉम सिटी मैन्युफैक्चरर्स, ठीक है, अलग अलग सिटी थी मेसोपोटामिया की, वहां से क्या थी वो उनको मैन्युफैक्चर करके आगे वाली सिटीज में भेज देते थे. दस ऑर्गेनाइज ट्रेड स्टोरेज डिलीवरीज ऑफ ग्रेन एंड अदर फूड आइटम्स फ्रॉम द विलेज टू द सिटी वर कंट्रोल्ड एंड सुपरवाइज्ड बाय द रूलर्स, ठीक है, एक जगह से दूसरी प्लेस तक किसी भी थिंग को भेजना, चाहे वो फूड आइटम है चाहे ग्रेन है, इन सभी के ऊपर एक रूलर था जो और उनके द्वारा वो सुपरवाइज किया जाता था और उनका उसके ऊपर बहुत ज्यादा कंट्रोल था. नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज मूवमेंट ऑफ गुड्स इनटू सिटीज एंड कम्युनिकेशन. ठीक है, जो थिंग्स वो खुद नहीं बना सकते थे वो विलेजेस से उनको क्या कर लेते थे, कैरी आउट कर लेते थे, इस वजह से वो बार्टर सिस्टम करते थे. अब देखो मेसोपोटामिया वाज रिच इन फूड रिसोर्सेज, ठीक है, ये आपने अच्छे तरीके से रीड आउट कर लिया कि जो मेसोपोटामिया के लोग थे वो फूड रिसोर्सेज में तो बहुत रिच थे, बट इट्स मिनरल रिसोर्सेज वर वेरी फ्यू, लेकिन उनके पास मिनरल जो रिसोर्सेज थे वो बहुत कम थे. मोस्ट पार्ट्स ऑफ द साउथ लैक्ड स्टोन फॉर टूल्स सील्स एंड ज्वेल्स, ठीक है, उनके पास ज्यादा टूल्स नहीं थे, ठीक है, वो ना सील्स थी ना ज्वेलरी थी. दी वुड फॉर कार्ट्स कार्ट व्हील्स फॉर बॉट्स एंड देयर वर नो मेटल फॉर टूल्स वेसल्स और ऑर्नामेंट्स, मतलब कि मेटल वाली कोई थिंग उनके पास नहीं थी, सिर्फ जो फूड सोर्सेस थे वो अमंडन अमाउंट में थे. सिर्फ जो मेटल्स थिंग थे उनके लिए उनको क्या था विलेजेस के ऊपर डिपेंड करना पड़ता था. सो मेसोपोटामियन वुड हैव ट्रेडेड विद देयर अबंडेंट टेक्सटाइल एंड एग्रीकल्चर प्रोड्यूस फॉर वुड कॉपर टिन सिल्वर गोल्ड शेल एंड वेरियस स्टोन फ्रॉम तुर्की एंड ईरान, ठीक है, वो इस वजह से वो कहाँ से मंगवा लेते थे अपना जो उनको चाहिए होता था, तुर्की एंड ईरान से, किसके बदले में वो अपना जो एग्रीकल्चर सोर्सेस थे उनके बदले में वो एक्सचेंज कर लेते थे. रेगुलर एक्सचेंज वॉज पॉसिबल ओनली वेन देयर वॉज अ सोशल ऑर्गेनाइजेशन टू फॉरन एक्सपेडिशन एंड एक्सचेंजेस ऑफ गुड्स, ठीक है, जब वो क्या करते थे फॉरन के साथ अपनी गुड्स को एक्सचेंज कर लेते थे, उनका एक सोशल स्टेमिना बना हुआ था जिस वजह से क्या करते थे वो थिंग्स को एक्सचेंज करते थे. बिसाइड क्राफ्ट्स ट्रेड एंड सर्विसेज, ठीक है, क्राफ्ट्स ट्रेड एंड सर्विसेज एफिशिएंट ट्रांसपोर्ट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट फॉर अर्बन डेवलपमेंट. अब देखो जब वो एक्सचेंज कर रहे हैं तो इट मीन्स उनको क्या है ट्रांसपोर्ट की भी बहुत ज्यादा जरूरत थी, इस वजह से वो क्या थे एक अर्बन डेवलपमेंट कर रखी थी अपने अराउंड, उन्होंने उनके पास ट्रांसपोर्ट सिस्टम भी बहुत अच्छा था. टू कैरी ग्रेन इन टू सिटीज पैक एनिमल वर यूज, ठीक है, वो क्या करते थे एनिमल्स जो पैक्ड एनिमल्स थे उनका यूज करते थे सिटीज को ग्रेन्स को एक जगह से दूसरी जगह तक लेके जाने के लिए.
द चीपेस्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन इज ओवर वाटर. ठीक है, सबसे जो चीपेस्ट मोड था वो वाटर ट्रांसपोर्टेशन था. रिवर बोट्स और बैगेज लोडेड विद सैक्स ऑफ ग्रेन्स आर प्रिपेयर्ड बाय द करंट ऑफ द रिवर. ठीक है, जो रिवर बोट्स थी वो उसको क्या कर देते थे, लोडेड कर देते थे और क्या थे, दूसरी जगह पे अपनी थिंग्स को सेंड कर देते थे. द कैनल्स एंड नेचुरल चैनल्स ऑफ एंशियंट मेसोपोटामिया वर इन फैक्ट रूट्स ऑफ गुड्स ट्रांसपोर्ट बिटवीन लार्ज एंड स्मॉल सेटलमेंट्स. ठीक है, जो कैनल्स थे, जो नेचुरल चैनल्स बने हुए थे एंशियंट मेसोपोटामिया के अंदर, जो एक प्लेस को दूसरी प्लेस के साथ अटैच किए हुए थे, वो क्या थे, एक गुड कम्युनिकेशन थे, एक लार्ज और स्मॉल सेटलमेंट था, ताकि वो अपनी थिंग्स को बहुत अच्छे तरीके से एक दूसरे के साथ एक्सचेंज कर सके.